गरीब किसान है जो फल और सब्जियां उगाकर अपना खानदान पालता है। वो अपने बगीचे में गोबर और बाकी नामियाती खाद का इस्तेमाल करता था, जिससे उसकी उगाई बहुत सी चीजें ताज़ा होती हैं और सभी ग्राहक उससे ही फल और सब्जियां खरीदते हैं। अरे दिवाकर बाबू, ये पपीते कैसे दिए? 50 रुपए में है। 2 पपीता दे दीजिए, ये लीजिए 100 रुपए। दिवाकर के पास ग्राहकों की कमी नहीं है, पर उसी के बगल में ठेला लगाए बैठे भैरव के पास दिन में 1-2 ग्राहक ही आते हैं, क्योंकि भैरव फल और सब्जियां उगाने के लिए रासायनिक खाद का इस्तेमाल करता है, जिससे उसकी उगाई चीजें अच्छी नहीं होती और उसकी आमदनी भी कम होती है, और इसी वजह से वो दिवाकर से जलता है। इसका जल्द ही कुछ करना पड़ेगा, नहीं तो ये मेरा पूरा कारोबार चौपट कर देगा। भैरव कुछ सोचने लगता है। बहुत सोचने के बाद भैरव के दिमाग में एक आइडिया आता है। वो दिवाकर को फंसाने की साजिश करता है। सुनो दिवाकर भाई, तुम्हें पता है सरकार ने किसानों को सरकारी बीज देने की बात कही है। अरे ये तुमने बहुत अच्छी खबर सुनाई है। अच्छे बीज मिलेंगे तो हम लोग और भी अच्छे से फल और सब्जियां उगा सकते हैं। तो देर किस बात की है, चलो मैं बीज लेने जा रहा हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो। भैरव अपने साथ दिवाकर को ले जाता है और उसे एक सरकारी बीज भंडार से बीज के कुछ पैकेट्स देता है। बीज लेने के बाद दिवाकर वहाँ से चला जाता है और भैरव अपनी चाल चलता है। वो अखबार में खबर छपवाता है कि सरकारी बीज भंडार से एक आदमी ने बीज चोरी किए हैं। भैरव उस अखबार को लेकर दिवाकर के पास पहुंचता है। देखो दिवाकर भाई, किसी ने सरकारी बीज भंडार से बीज चोरी किए हैं और तुम्हारे पास भी कुछ पैकेट बीज के हैं, इसीलिए पुलिस तुम्हें भी पकड़ सकती है। पर ये बीज के पैकेट तो तुमने मुझे दिए हैं ना? हाँ मैंने दिए थे, पर ये बात पुलिस को थोड़ी पता है कि किसको बीज मिले हैं और किसने चोरी किए हैं। तो अब मैं क्या करूं? जब तक ये मामला शांत नहीं हो जाता तुम यहाँ से कहीं दूर चले जाओ। पर मैं जाऊँ कहाँ? मैं तुम्हें ले चलता हूँ। भैरव दिवाकर को लेकर दूर एक घने जंगल में जाता है, जहाँ पर अंग्रेजों के जमाने का जेल बना होता है। तुम कुछ दिन इसी जेल के अंदर छुपे रहो, मैं बाद में तुम्हें वापस बुला लूंगा। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद भाई, तुमने मुझे उस बेमतलब की आफत से बचा लिया। भैरव वहाँ से वापस आ जाता है और दिवाकर जेल के अंदर एक तहखाने में छिपकर रहने लगता है। अच्छा हुआ जो दिवाकर का बच्चा यहाँ से चला गया, अब लोगों के पास मेरी फल सब्जियाँ खरीदने के अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा। और भैरव महंगे दाम पर फल और सब्जियाँ बेचने लगता है। भाई साहब, आलू कितने रुपए किलो है? 100 रुपए किलो। पर ये तो बहुत ज्यादा महंगा है। मैं तो ऐसे ही बेचूंगा, नहीं लेना है तो जाकर शहर से खरीद कर लाओ। ग्राहक को मजबूरी में भैरव से सब्जियां खरीदनी पड़ती हैं। दिवाकर के न होने का भैरव पूरी तरह से फायदा उठाने लगता है। इसी बीच कुछ चोर शहर के एक बड़ी सी सोनार की दुकान से सोना चुरा कर शहर से दूर जंगल की ओर आते हैं। जंगल में चलते हुए उन्हें ये पुरानी जेल दिखती है। सभी आकर इस जेल के पास खड़े हो जाते हैं। इस सोने को छुपाए कैसे? कुछ तो नया उपाय ढूंढना पड़ेगा। अगर पुलिस ने पकड़ लिया तो समझ लो जेल में चक्की पीसने पड़ेगी। क्यों ना हम इस सोने को गलाकर ईंट बनाए और इसे जेल के बाहर से लगा दे, इससे पुलिस को कोई सबूत भी नहीं मिलेगा। हाँ ये तो बहुत अच्छा सुझाव है। वैसे तुम चोर हो पर तुम्हारा दिमाग तो पुलिस से भी तेज है। सभी चोर शहर से चुराए हुए सोने को आग से पिघलाते हैं और उनसे ईंट बनाने लगते हैं। चोर सोने से बनाई हुई ईंटों को जेल के बाहर से लगा देते हैं, जिससे पूरी जेल सोने की बन जाती है और चमकने लगती है। ये हुई ना बात, देखो हमने अंग्रेजों की इस जेल को सोने की जेल में बदल दिया है। अब पुलिस तो क्या, सीबीआई वाले भी हमको पकड़ नहीं सकते। चलो यहाँ से चलते हैं, शहर में जाकर मजे करते हैं।
सभी चोर खुशी खुशी शहर के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर कुछ दिन बीत जाने के बाद भैरव दिवाकर को देखने के लिए जंगल में आता है। वो जेल के अंदर जाता है और जोर से आवाज लगाता है, बाहर आ जाओ दिवाकर भाई, मैं भैरव हूँ। भैरव की आवाज सुनकर दिवाकर जेल के तहखाने से बाहर आता है। अच्छा किया भाई जो तुम मुझसे मिलने आ गए, नहीं तो मैं यहाँ पर घुट घुट कर मर ही जाता। भैरव दिवाकर को देखता है और अपने मन में सोचता है, तू मर जाएगा तो मेरा तो फायदा ही फायदा होगा। भैरव के मन में दिवाकर को धोखा देने का ख्याल आता है। वो दिवाकर से कहता है, अरे भाई क्यों मरने की बात कर रहे हो, अगर तुम्हारा दम घुट रहा है तो चलो मैं तुम्हें नदी के पास ले चलता हूँ, वहाँ पर कुछ देर ताजी हवा पर बैठते हैं और वैसे भी तुमसे कुछ बात करनी है। दिवाकर और भैरव जैसे ही जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी वहाँ से एक सोने की ईंट नीचे गिर जाती है, जिसकी आवाज सुनकर ये दोनों रुक जाते हैं। भैरव देखता है कि ईंट बहुत चमकदार है, वो पास जाता है और ईंट को उठाता है। ये तो सोने की ईंट है। भैरव जेल की ओर नजर घुमाता है तो देखता है पूरी जेल सोने के ईंटों से बनी है। ये देखकर भैरव बेहद खुश हो जाता है। उसको खुश होता हुआ देख दिवाकर उससे पूछता है, क्या हुआ भाई तुम बहुत खुश नजर आ रहे हो। भैरव ईंट को पीछे छुपाते हुए हड़बड़ी में कहता है, कुछ नहीं, तुम जाओ यहाँ से। आपने तो कहा कि हम दोनों नदी के किनारे ताजी हवा में जाएंगे और आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हो। मैं ये कह रहा था कि पुलिस ने उस चोर को पकड़ लिया है जिसने बीज भंडार में सरकारी बीज चुराया था। अब तुम्हें कोई खतरा नहीं है, जाओ तुम अपने घर जा सकते हो। ये तो तुमने दिल खुश करने वाली खबर सुना दी, चलो घर चलते हैं। नहीं मुझे थोड़ा काम है, तुम चलो मैं बाद में आता हूँ। ठीक है तुम अपना काम खत्म करके आओ, मैं जा रहा हूँ। दिवाकर खुशी खुशी अपने घर के लिए निकल जाता है। दूसरी ओर सोने के ईंटों से बने जेल को देखकर भैरव खुशी से पागल हो जाता है। मेरी तो लॉटरी लग गई, कहां 50 रुपए की सब्जियां बेचनी पड़ती थी और अब करोड़ों का सोना मेरे हाथ लग गया है। भैरव जेल की दीवारों पर लगी सोने के ईंटों को निकालने लगता है और पास में पड़े एक थैले में सोने के ईंट भरने लगता है। तभी शहर से सारे चोर वापस आ जाते हैं। अच्छा बेटा हमने ये सोना तुम्हारे लिए चुराया है। कौन हो तुम, हमारा सामान चुराते हो और हमसे ही पूछते हो कौन हो तुम। ये सोना मेरा है, इसे पहले मैंने ही देखा है, पर इसे यहाँ तो हम लेकर आए हैं ना। भैरव चोरों की बातों को अनसुनी करके सोने के ईंटों को थैले में भरने लगता है। लगता है ये ऐसे नहीं मानेगा, चलो उसके हाथ पैर तोड़ते हैं। तीनों चोर मिलकर भैरव को मारने लगते हैं। ये सभी लड़ाई कर ही रहे होते हैं कि तभी कुछ पुलिस वाले जो कि इस जंगल के पास से गुजर रहे थे वो इन्हें देख लेते हैं। वो देखो वहाँ पर कुछ लोग लड़ाई कर रहे हैं, चलो जल्दी चलो। इंस्पेक्टर सोने की जेल के पास आ जाता है। बाप रे इतना सारा सोना। ये सोना हमारा है, हमने इसे शहर से चुराया है। अच्छा तो शहर में जो सोने की चोरी हुई है तो वो तुमने चुराया है। हवलदार इन सबको गिरफ्तार कर लो। इंस्पेक्टर साहब मैं चोर नहीं हूँ। अगर चोर नहीं हो तो ये सोना थैले में भरकर कहाँ ले जा रहे थे। इंस्पेक्टर सभी चोरों को और भैरव को जेल में बंद कर देता है और सारा सोना ले जाकर शहर में उस सोनार को वापस कर देता है जिसकी दुकान से ये सोना चोरी हुआ होता है। दूसरी तरफ दिवाकर मेहनत करके अपने खेतों में फल सब्जियां उगाता है और अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगता है। योगी और नीतू का सब्जियों का बगीचा था, दोनों मिलकर सब्जियां उगाया करते थे और फिर बाजार में ये सब्जियां फरोख्त किया करते थे। सब्जियां ताजी ताजी सब्जियां, आलू गोभी मटर टमाटर ताजे ताजे। आलू 15 रुपए किलो, मटर 30। उनकी ताजी सब्जियों की बाजार में अच्छी मांग थी। कुछ ही देर में उनकी सारी सब्जियां खत्म हो जाया करती थी और वो लोग घर लौट जाया करते थे।
घर पे उनकी बेटी रानी उनका इंतजार किया करती थी। रानी बीमार थी, इसलिए वो ज्यादा से ज्यादा वक्त आराम ही किया करती थी। अम्मी, अबू, मैं आपका इंतजार कर रही थी। आप मेरे लिए पकोड़े लाए हैं क्या? नहीं बेटा, आज बाजार में पकोड़े वाला आया ही नहीं। तुम्हारे लिए पकोड़े तो नहीं लाए, लेकिन ये देखो। वाह, आम! रानी को तली हुई चीजें बेहद पसंद थी, लेकिन वो चीजें उसके लिए जहर थी। रानी के दिल में छेद था और उसके ऑपरेशन के लिए ही उसके वालदैन इतनी मेहनत कर रहे थे, और हर रोज की कमाई से वो लोग ज्यादातर पैसे अलग कर दिया करते थे। आपको क्या लगता है, कब तक हम पैसे जमा कर पाएंगे? मालूम नहीं, लेकिन हम कोशिश करते रहेंगे। रानी योगी और नीतू की जान थी, वो किसी भी हालत में बस रानी को ठीक करना चाहते थे। रोज सुबह 5 बजे दोनों खेतों के लिए निकल पड़ते थे। सुबह 9 बजे तक खेतों का सारा काम निपटा कर बाजार के लिए रवाना हो जाते थे, और यहाँ बाजार में घंटों कड़ी धूप में खड़े रहकर सारी सब्जियां बेचा करते थे। एक रोज की बात है, नीतू और योगी खेतों में काम कर रहे थे। क्या तुम आज तन्हा बाजार जा पाओगी? चली तो मैं जाऊंगी, लेकिन आप कहाँ जा रहे हैं? गर्मियां आने वाली हैं, और गर्मियों में नींबू की काफी मांग होती है, इसलिए मुझे नींबू के पौधे खरीदने हैं। वैसे भी बाजार में नींबू के दाम में इजाफा हो रहा है। हाँ हाँ, जरूर जाइए, हमें कैसे भी करके जल्दी से जल्दी ऑपरेशन के लिए पैसे जमा करने हैं। हाँ। नीतू सारी सब्जियां लेकर बाजार के लिए निकल गई, और योगी नींबू के पौधे खरीदने निकल पड़ा। योगी एक पौधों की नर्सरी में पहुंचा। जी फरमाइए। मुझे नींबू के पौधे चाहिए। भाईजान, एक भी पौधे नहीं है, सारे फरोख्त हो गए। ठीक है। योगी दूसरी नर्सरी में गया। नींबू के पौधे हैं क्या? नहीं भाई, सारे खत्म हो गए। ठीक है। योगी कई और नर्सरी में गया, उसे कहीं भी नींबू के पौधे नहीं मिले। अरे अब क्या करूं? सोचा था नींबू को पौधे से नींबू उगाकर फरोख्त करूंगा तो कुछ अच्छे पैसे मिलेंगे, लेकिन मुझे तो एक भी पौधा नहीं मिला। योगी अपने सोच में चल रहा था, तभी उसका तवज्जो जंगल के बीच बने एक घर की जानिब गया। इस घर के बाहर बहुत बड़ा बगीचा था, और पूरे बगीचे की हालत बेहद खराब थी। एक ज़ईफ़ा खातून बड़ी मुश्किल से इस बगीचे की सफाई करने की कोशिश कर रही थी। योगी उस ज़ईफ़ा खातून के पास गया। क्या हुआ अम्मा, तुम्हारा बगीचा इतना बड़ा है, लेकिन इसकी ऐसी हालत कैसे हो गई? अब क्या बताऊं बेटा, मेरे पास बड़ा बगीचा तो है, लेकिन इसकी देखभाल करने वाला कोई नहीं है। देख मेरी हालत, मैं ज़ईफ़ा भला कैसे इतना काम तनहा कर सकती हूँ। कोई बात नहीं अम्मा, मैं तुम्हारे बगीचे को साफ कर देता हूँ। और योगी बगीचे की सफाई में लग गया। उसने जंगल के पौधे काटे, मुरझाए हुए पौधों को निकाला, और सारे पौधों की मिट्टी की अच्छे से सफाई की, सारे पौधों में पानी डाला। अम्मा, अब लग रहा है ना, ये बगीचा बिल्कुल साफ सुथरा। तेरे हाथों में तो जादू है बेटा। अम्मा, मैं भी तो किसान ही हूँ, मेरी भी सब्जियों का बगीचा है। अच्छा है। ठीक है अम्मा, अब इजाजत दीजिए। अरे रुक रुक बेटा। ज़ईफ़ा खातून अपने घर में गई और एक पोटली उसने योगी के हाथ में रख दी। ये क्या है? नींबू के बीज है, तुझे नींबू उगाने हैं ना, जा इन्हें ले जा और अपने बगीचे में बो दे। आपको कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं? मुझे सब इल्म है, मैंने धूप में अपने बाल सफेद नहीं किए हैं। योगी ने वो पोटली ले ली और अपने घर की जानिब चल पड़ा। योगी घर पहुंचा तो नीतू कबल ही पहुंच चुकी थी। बड़ी देर लग गई आपको, और नींबू के पौधे कहाँ हैं? किसी भी नर्सरी में नींबू के पौधे नहीं मिले। घर लौट रहा था
तो जंगल में एक घर नजर आया जिसके बाहर एक बड़ा बागीचा था। एक ज़ईफ़ा खातून तन्हा बागीचा साफ कर रही थी, तो मैंने उनकी मदद कर दी और उसी में देरी हो गई। ठीक है। और ये देखो, उस ज़ईफ़ा खातून ने मुझे नींबू के बीज दिए हैं। मालूम नहीं उन्हें कैसे इल्म हुआ कि मुझे नींबू उगाने हैं। अजीब है, खैर छोड़िए, कम से कम हम इन बीजों को बो देते हैं। इस बरस नहीं तो अगले बरस नींबू के पौधों पर नींबू आ ही जाएंगे। हाँ वो भी है। अगली सुबह योगी ने कुछ गड्ढे किए और उसमें नींबू के बीज डाल दिए और गड्ढों में मिट्टी भर दी। नीतू जरा इन्हें भी पानी डालो। हाँ आई। नीतू ने जैसे ही उस जगह पर पानी डाला तो उन बीजों से फौरन पौधे उगने लगे। दोनों हैरान हो गए और पौधा उगते ही उन पौधों पर नींबू लटकने लगे, लेकिन ये नींबू अलग थे। नींबू कुछ ज्यादा ही चमक रहे थे। इतने चमकदार नींबू? योगी ने एक नींबू तोड़ा तो वो हैरान हो गया। वो नींबू सोने का था। नीतू ये तो सोने का है, सोने का नींबू। सारे पौधे पर सोने के नींबू उगे हुए थे। योगी और नीतू के तो नसीब ही खुल गए। योगी ने वो सारे नींबू सोनार को फरोख्त कर दिए और उनसे उसे ढेर सारे पैसे मिले। इन पैसों से उसने अपनी रानी का इलाज करवाया। मुबारक हो, ऑपरेशन कामयाब हुआ। अब आपकी दुख्तर किसी भी आम बच्चे की तरह खेल कूद सकती है। ये सुनकर योगी और नीतू की आंखों में अश्क आ गए। योगी ने एक बड़ा बगीचा खरीद लिया और एक बड़ा घर भी। उनकी जिंदगी पूरे तरीके से बदल गई। नीतू हमें उस ज़ईफ़ा खातून का शुक्रिया अदा करना चाहिए। हाँ यकीनन। योगी नीतू और रानी को लेकर जंगल गया। वो घर तो यही था, यकायक कहाँ चला गया? वहाँ कोई घर नहीं था। योगी की मदद किसने की इसका इल्म उसे भी नहीं था। उसने ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया और खुशी खुशी अपनी जिंदगी जीने लगा। विजयनगर में रघुनाथ नाम का एक मजदूर था जो रोज मजदूरी करने अपने कस्बे से दूर शहर जाया करता था। रघुनाथ की बीवी लक्ष्मी थी और उनके दो बच्चे थे, महेश और आशा। सारा खानदान खुश था। एक रोज की बात है, रघुनाथ हमेशा की तरह मजदूरी करने शहर गया था। वो रोड क्रॉस कर रहा था कि एक ट्रक से उसका हादसा हो गया। रघुनाथ को अस्पताल में दाखिल करवाया गया। उसका सारा खानदान दुखी था, बच्चे रो रहे थे। लक्ष्मी ने सबको संभालने की कोशिश की। देखो अब्बू ठीक हो जाएंगे, तुम दोनों ऐसे रोओगे तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। अब्बू कब ठीक होंगे? बोलो ना अम्मी। बहुत जल्द, तुम दोनों फिक्र मत करो, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। कई रोज गुजर गए। रघुनाथ की हालत बेहतर थी लेकिन वो अब भी चल फिर नहीं पा रहा था। एक दिन तभी नर्स लक्ष्मी के नजदीक आई। आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। लक्ष्मी डॉक्टर के केबिन में गई। बहन जी मैं आपको झूठी तसल्ली नहीं देना चाहता, आपके शौहर के दोनों पैरों का ऑपरेशन करना पड़ेगा तभी वो चल पाएंगे, पर आपके हालात देखकर लगता नहीं कि आप इतना खर्चा उठा पाएंगी। कितना खर्चा होगा डॉक्टर साहब? तकरीबन 20 लाख। या खुदा। अगर उनका ऑपरेशन नहीं हुआ तो वो वापस चल नहीं पाएंगे। अब आप अपने हिसाब से देख लीजिए, अगर आप उनके ऑपरेशन के लिए पैसों का इंतजाम कर सकती हैं तो बहुत अच्छा होगा। जी डॉक्टर साहब मैं कोशिश करती हूँ। लक्ष्मी सोच में डूब गई कि वो कैसे अपने शौहर का इलाज करवाए। वो बच्चों के साथ घर गई और अपने जेवर देखने लगी। ये तो बहुत कम है, इससे तो 1 लाख रुपए भी नहीं आएंगे। घर भी संभालना है और इनका इलाज भी करवाना है, कैसे होगा ये सब। लक्ष्मी अपने जेवर देख ही रही थी कि उसके दोनों बच्चे उसके पास आए। अम्मी क्या तुम ये मंगलसूत्र और कंगन बेच दोगी? और कोई रास्ता नहीं सूझ रहा है बेटा। अम्मी अगर हम सब मिलकर पैसे कमाए तो? कैसे? आप बहुत अच्छी इडली बनाती हो अम्मी, अगर हम लोग इडली का ठेला डाल दे तो? वो तो हम कर सकते हैं,
पर क्या उससे इतने सारे पैसे जमा होंगे? 20 लाख? अम्मी कोशिश तो करके देखते हैं। ऊपर वाले ने चाहा तो जल्द से जल्द पैसे जमा हो जाएंगे और अब्बू का इलाज भी हो जाएगा। बहुत बड़े हो गए हो तुम दोनों। चलो इडली के कारोबार की तैयारी करते हैं। लक्ष्मी और बच्चे घर में चीजें इकट्ठी करने लगे। ये रहे चम्मच और प्लेट्स, ये रहा चूल्हा, ये रहा इडली का कुकर, पर मुझे लगता है ये छोटा है। ठेले पर अगर ज्यादा लोग आ गए तो फटाफट इडली नहीं बन पाएगी। तो हमें क्या करना चाहिए अम्मी? हमें नया इडली का कुकर लेना होगा। मेरे पास थोड़े पैसे हैं, उसमें बड़ा इडली का कुकर आ जाएगा। इडली कुकर खरीदने के लिए तीनों दुकान पर पहुँचे। भाईजान एक बड़ा इडली का कुकर दिखाइए। उस दुकानदार ने उन्हें एक कुकर दिखाया, इससे भी बड़ा चाहिए। बहन जी इससे बड़ा इडली कुकर मेरे पास नहीं है, आजकल इससे बड़ा इडली कुकर नहीं बनता। ऐसे कैसे हो सकता है? लेकिन आप पुराना इडली कुकर खरीद सकती हैं। बगल में ही एक पुराने बर्तनों की दुकान है, उनके पास जरूर बड़े इडली कुकर होंगे, आप वहाँ देख लीजिए। ठीक है। लक्ष्मी और उसके बच्चे बगल वाली दुकान पर गए। वहाँ लक्ष्मी की नज़र एक पीतल के बड़े इडली कुकर पर गई। भाईजान वो बड़ा वाला इडली का कुकर कितने का है? वो पुराना वाला वो 500 रुपए का है। ठीक है, वो मुझे दे दीजिए। लक्ष्मी और बच्चे वो बड़ा पीतल का इडली कुकर लेकर अपने घर आए। घर पहुँच कर, अम्मी आपने यही इडली कुकर क्यों चुना? बगल में कितने चमकदार स्टील के कुकर भी थे, तो ये पीतल का ही क्यों? क्योंकि ये पीतल का है, पीतल में इडलियों का जायका और भी अच्छा हो जाता है। और तो और हमें ये बहुत अच्छे दाम में मिला। लेकिन अम्मी हमें नया कुकर लेना चाहिए था ना, देखो ना इस पे कितनी गंदगी है। आशा ये पीतल का है, अभी इसे घिसूंगी ना तो चमकने लगेगा। ठीक है अम्मी। लक्ष्मी ने वो इडली कुकर धोया और वो चमकने लगा। अरे वाह ये तो चमक रहा है। कहा था ना मैंने। और आशा इसीलिए कहते हैं ओल्ड इज गोल्ड। माँ इसमें इडली बनाकर देखो तो। बनाती हूँ। लक्ष्मी ने उस इडली कुकर की थालियों में इडली का आटा डाला और उसे गैस पर चढ़ा दिया। अब हमें 8 मिनट इंतजार करना होगा ना अम्मी? हाँ बिल्कुल। दोनों बच्चे इडली बनने का इंतजार कर रहे थे। उन दोनों की नज़र घड़ी के कांटे पर ही टिकी थी। जैसे ही घड़ी में 8 मिनट हुए, हो गया 8 मिनट हो गया। हाँ हाँ सब्र करो खोलती हूँ। जैसे ही लक्ष्मी ने कुकर खोला तो कुकर के अंदर से रोशनी चमकने लगी। सफेद आटा सुनहरा कैसे हो गया? जैसे ही लक्ष्मी ने वो इडली बाहर निकाली तो वो हड़बड़ा गई। ये इडली पत्थर की कैसे हो गई? पत्थर की नहीं सोने की। सोने की इडली? लक्ष्मी एक सोने की इडली लेकर जौहरी के पास गई और वहाँ उससे जांच करवाने लगी। ये खरा सोना है। ये सुनकर लक्ष्मी को अपने कानों पर यकीन नहीं हुआ। वो घर लौटी और ये बात अपने बच्चों को बताई तो वो खुशी से कूदने लगे। हमारे पास इतनी सारी सोने की इडली है। अम्मी इनको बेचकर हम अब्बू का इलाज करवा सकते हैं ना? हाँ ये इतना सारा सोना है कि हम सोच भी नहीं सकते बच्चों। कुछ दिनों बाद लक्ष्मी ने जौहरी को 2 सोने की इडलियाँ बेच दी और उससे मिले हुए पैसों से अपने शौहर रघुनाथ के पैरों का ऑपरेशन करवाया। रघुनाथ वापस चलने लगा। 2 और सोने की इडलियाँ बेचकर लक्ष्मी ने नया घर खरीद लिया। रघुनाथ और उसका खानदान नए घर में हंसी खुशी रहने लगे। आज भी वो इडली का कुकर लक्ष्मी के पास ही है, लेकिन वापस उसने कभी सोने की इडली नहीं बनाई। अम्मी क्या हम वापस सोने की इडलियाँ नहीं बनाएंगे? नहीं, क्योंकि ऊपर वाले ने हमें जितना दिया है वो हमारे लिए काफी है। और वैसे भी आशा अम्मी हमेशा बोलती है ना, लालच बुरी बला है। हाँ और हमें लालच बिल्कुल नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही। अब तुम दोनों भूल जाओ
कि हमें कभी जादुई इडली कुकर मिला भी था। और हमेशा खुश रहो।